स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ब्लैक लाइन के आसपास जब भी मार्केट आ रहा है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग साइड में पोजीशंस को प्लान करना, बट हमने यहाँ पे डाउन साइड में पोजीशंस को क्यों प्लान करा उसका आपने मुझे रीज़न जो है वो बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके गाइज, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जल्दी से जाके देखिएगा। ओके, अभी आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ब्लैक लाइन के आसपास कैंडल आ चुकी है। यहाँ पे आप बॉक्स या ये बना हुआ है, फाइट चल रही है यहाँ पे। लॉन्ग साइड में पोजीशंस नहीं बनेगी, डाउन साइड में पोजीशंस का फॉर्मेशन होगा। अब इसका क्या रीज़न है जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो बिगनर की सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। बिगनर क्या करेगा यहाँ पे, ये चीज़ ब्लैक लाइन के आसपास कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे क्या करेगा वो, इस तरह से एक पोजीशन प्लान करेगा अपसाइड में, और इतना वो स्टॉप लॉस प्लान कर सकता है, छोटा सा करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करेगा, लॉन्ग साइड में बना के बैठ जाएगा और यहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या करूँगा, ये चीज़ यहाँ से मैं स्प्लिट कर दूँगा। स्क्रीन को स्प्लिट करने का मतलब है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट चार्ट और साथ में प्रीमियम में कितना डीके या फिर कितना इंक्रीज हो रहा होगा वो आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाके मैं एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉल साइड में कौन सा रहेगा, अभी आइटम यूज़ करेंगे थोड़ा सा सही सही, ये चीज़ बिल्कुल सही है। इस प्राइस सेक्शन सॉरी इस प्राइस को मैंने अभी यहाँ पे क्या करा है, ओ यार क्लोज क्यों नहीं हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रही है, क्लोज की ऑप्शन है। चलो कोई ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यार। चलिए, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, प्राइसेस आप देख सकते हो जैसे ही ब्लैक लाइन के आसपास आया। ठीक है, प्राइस को आपने नोटिस करना, सबसे पहले इसको ध्यान से देखना गाइस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें ट्रैप बनने वाले हैं। आई नो यहाँ पे आप बहुत लोग गलती करोगे। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस प्लान करी हैं। ओके ठीक है, इतना बहुत सही रहेगा और छोटा सा स्टॉप लॉस को प्लान कर लेंगे। चलिए, अभी आप यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, प्रीमियम किस तरह से मूव करेंगे। और ओके ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पता चल जाए कि कैंडल किस तरह से वर्क कर रही है। तो वेट करना, तो जैसे कि ठीक है स्टॉप लॉस लग चुका है। मैंने बोला था कि बिगनर यहाँ पे गलती कर सकता है। तो आप देख सकते हो ब्लैक लाइन के आसपास जब भी कैंडल्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा अपसाइड में पोजीशंस को बनाना है। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो भी बिगनर यहाँ पे गलती करेगा वो ऐसी गलती करेगा। अभी एक चीज़ आपने जो वहाँ पे नोटिस करो, रेड लाइन सॉरी अपना जो ब्लैक लाइन है उसके नीचे रेड कैंडल फॉर्मेशन होना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये जो यहाँ पे बॉक्स है, फाइट चल रही है यहाँ पे, और प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप डाउन होने शुरू हो चुके हैं कॉल साइड। यहाँ पे देखना मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे पहले तो एक जो अभी स्ट्रेटजी किस हिसाब से काम करेगी, क्यों और कैसे हमने यहाँ पे पोजीशंस को प्लान करना है तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और हो नहीं रही यार, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मैं इसको मैन्युअली प्राइस को ऐड कर लेता हूँ। तो एक अच्छी सी स्ट्राइक प्राइस को जहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले, तो फिर देखता हूँ कि आपको कि एंट्रीज मैं कैसे यहाँ पे प्लान करूँगा और स्टॉप लॉस सबसे मेन होता है। तो ये स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज़ कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, अब जाके फिर से डाउन आ चुका है। सबसे बड़ी यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि यार हम ना एंट्री कहाँ पे करें, राइट, एंट्री कहाँ पे करें। अब मैं रनिंग वाली कैंडल में तो बिल्कुल एंट्री नहीं करने वाला हूँ, क्या पता एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे अपसाइड मूव आके फिर से ड्रॉप डाउन कर दे प्राइसेस को, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्राइसेस फिर से डाउन आ रहे हैं और हमें फ़ायदा ही है, मतलब प्राइस जितना हमें सस्ता मिल रहा है। बट हम लास्ट कब तक देखेंगे, जब कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी। ओके, तो कैंडल यहाँ पे पूरा क्लोज हो चुका है तो मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ यही वाली कैंडल में। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ही एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मैं ठीक है छोटा सा एक स्कैल्प करूँगा, स्टॉप लॉस राउंड राउंड इतने पॉइंट का रहने वाला जो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ये समझने में कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा है या फिर टारगेट हिट हुआ है।
ओके गाइज, पूरा टारगेट हिट होने के बाद आप देख सकते हो वहीं से मार्केट में रिजेक्शन वाली कैंडल फॉर्मेशन होना शुरू हो चुकी है। अभी यहाँ पे प्रेशर आएगा, अभी तो एक बड़ी कैसी कैंडल बनी है, अभी और प्राइसेस रीच होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस को बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट पे ले आएंगे, या तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यार ये चीज़ें अगर आपने कैंडल के थ्रू अपना पोजीशन क्लोज कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेडिंग में, आप लॉस ही करोगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो बातें करते करते यहाँ पे प्राइसेस जो है वो फिर से इंक्रीज करना शुरू हो चुके हैं। गाइस, एक बहुत इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देना है। तो वो ये क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे किस बिहाफ पे अपनी पोजीशंस को डाउन साइड में प्लान करा, ठीक है, और क्यों यहाँ पे अप साइड में ट्रैप बने हुए थे। ये शायद से मैंने पहले भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। एक यहाँ पे लाइन मैंने ड्रा करी है अभी फ़िलहाल, ठीक है, अभी बातें करते करते, क्योंकि प्राइस रीच होना शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि मतलब जब कैंडल रीच होने वाली थी पिछले वाली प्राइस में, तो कैंडल में डाउन साइड में मूव आया। अभी देखते हैं क्या इसी सेम लेवल से मार्केट जो है वो नीचे गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा, ठीक है। बट ये जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल ड्रॉ करके बताया है, अगर ये एक्टिव रेसिस्टेंस वर्क करती है, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो अपकमिंग वीडियोज़ में ये आने वाली है, मतलब स्ट्रेटजी कि आप किस तरह से इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पे अपना पूरा टारगेट जो है वो रीच हो चुका है गाइज, ठीक है। तो इस तरह से हमने डाउन साइड में पोजीशंस को प्लान करा बहुत सिस्टमेटिकली, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हमने प्लान करके रखा, आप देख सकते हो डाउन साइड में। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 100+ पॉइंट्स, मतलब 120 पॉइंट्स के ऊपर का ही टारगेट आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसे प्लान करना है। अभी एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हमने एक लॉन्ग साइड में पोजीशंस प्लान करी थी, क्योंकि स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ब्लैक लाइन के आसपास जब भी मार्केट आ रहा है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग साइड में पोजीशंस को प्लान करना है। बट हमने यहाँ पे डाउन साइड में पोजीशंस को क्यों प्लान करा, उसका आपने मुझे रीज़न जो है वो बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में देने वाला हूँ बहुत ही सिंपल वे में। तो वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं गाइज़, 1K आप जल्दी से कंप्लीट करिएगा, आई नो आप कर दोगे। तो गाइज़ मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।